स्टार्क्स, मेरा नाम रिया खट्टर है, मैं 23 इयर्स की हूँ एंड मैं न्यू दिल्ली से हूँ। कोविड के बीच तो हर कोई घर बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा एक दिन क्यों ना मैं अपना कबर्ड ही ठीक कर लूँ, मम्मा खुश हो जाएगी। जब मैंने अपना कबर्ड खोला तो मैंने देखा कि वो कितना फुल है, लेकिन फिर भी मेरे पास पहनने के लिए कोई आउटफिट नहीं है। हर वुमेन की यही प्रॉब्लम है, जितने कपड़े उतने कम। हर किसी को हर एक ओकेजन के लिए न्यू आउटफिट एंड न्यू लुक चाहिए होता है। तभी मैंने सोचा क्यों ना कोई ऐसा प्रोडक्ट होता जिससे हम मल्टीपल आउटफिट्स एंड लुक्स बना पाते। तब मैंने लॉन्च किया हार्ट अप माय स्लीव्स। ये एक अनोखा ब्रांड है जहां हम डिटैचेबल स्टेटमेंट स्लीव्स बनाते हैं। ये स्टेटमेंट स्लीव्स काफी यूनिक है, रीयूजेबल है, सस्टेनेबल है एंड आप एक ही स्टाइल की स्लीव्स को डिफरेंट वेज में भी स्टाइल कर सकते हैं। एंड हमारी स्लीव्स सेलिब्रिटीज लाइक हंसिका मोटवानी एंड नेहा कक्कड़ ने भी पहनी है। तो आज मैं अपनी कंपनी की 10% इक्विटी के बदले 25 लाख की मांग करने आई। So, Vinita, if we were supposed to go on a lunch, तो मेरा आउटफिट ये होता। आपको क्या लगता है ये कैसा लग रहा है? Fabulous. And अनुपम, अगर हम डिनर पे जाते to discuss business, तो मेरा आउटफिट ये होता। मेरी पत्नी बहुत मारती मुझे, लेकिन आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। What do you think, Sharks? Do you want to invest in Heart Up My Sleeves? Rhea, you get the award for the most stylish presenter. Thank you so much. So Rhea, firstly I have to say you look stunning. मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उस amazing black dress पे कोई दो white sleeves लगा के इतना exotic look create कर सकता है। कहाँ आपने पिक किया ऐसा सेंस ऑफ स्टाइलिंग? मैं एक्चुअली फैशन बैकग्राउंड से आती हूँ। मेरी फैमिली जो है, मेरे डैड वो होलसेल ऑफ गारमेंट्स करते हैं इंडियन वेयर। इनिशियली सिर्फ 10,000 इन्वेस्ट करके मैंने ये सैम्पल्स बनाना स्टार्ट किया एंड मुझे नहीं पता था कि इसका क्या रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। ये ना कि कोई मार्केट में है, मेरा कोई कंपेटिटर नहीं है अभी। तो मैंने पोस्ट करना स्टार्ट किया इंस्टाग्राम पे और जब मैंने रियलाइज किया कि लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है ये प्रोडक्ट, मैंने काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी उनको अपना प्रोडक्ट दिया है। ऐसे ही वर्ड टू वर्ड ऑर्गेनिक मार्केटिंग की वजह से हमारा ब्रांड काफ़ी फेमस हो गया एंड अभी हमारे करंटली 11.6 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। 11.6 अभी तक हमने 1003 ऑर्डर्स हमने करे हैं डिस्पैच इन 9 मंथ्स एंड हमारी सेल्स है अभी तक 11.5 लाख। एंड आप इंस्टाग्राम शॉप से सेल करते हो कि आपका डिफरेंट वेबसाइट है जहाँ? हमारी वेबसाइट भी है एंड हम नवंबर 2021 से नाइका फैशन पे अवेलेबल होंगे। आपने पिछले महीने क्या सेल्स किया रिया? हमारा लास्ट मंथ का सेल्स था 1.96 लाख। 1.2 लाख और 9 महीने पहले कितना किया आपने? तो जनवरी में जब हमने स्टार्ट किया तो हमारा 70,000 हमने क्लॉक किया था। और ये जो डिजाइनिंग आप करते हैं तो ये सब हैंड स्टिच्ड है कि यू हैव अ मैन्युफैक्चरिंग प्लेस? मेरे डैड की फैक्ट्री में ही मैंने अभी दो अपने टेलर वहाँ पे बिठाए हुए हैं। इसमें ऐसी क्या यूनिक चीज है जो नॉक ऑफ नहीं कर सकते? मुझे लग रहा है कोई भी शुरू कर सकता है। अगर ये कैच ऑन कर लेती है नायका पे, नायका खुद अपना माल डाल सकती है, वो आपसे क्यों खरीदेगी? ऐसा क्या कर रही हैं आप? आई एम श्योर कि हमारा प्रोडक्ट कोई भी कॉपी कर सकता है, बट वी हैव अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। हम पहले हैं इन द बिजनेस कि हमने ये कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है और हमने ऑलरेडी इतने इन्फ्लुएंसर्स के साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप्स बना चुके हैं। मैं सॉरी आपको इंटरजेक्ट कर रहा हूं, आपने बोला फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। इंडिया में फैशन में फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो ही नहीं सकती। मनीष मल्होत्रा का लहंगा चांदनी चौक में पहले बिक रहा होता है, मनीष मल्होत्रा के यहाँ पे स्टॉक आउट होता है। हफ्ते हर महीने कोई नया कॉन्सेप्ट आता है, पहले एक जगह यूनिक लगता है, फिर सबके पास सेम हो जाता है। मेरे को लगता है आप जो कर रहे हैं वो एक लाइफस्टाइल बिजनेस है, वो एक इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं है, स्केलेबल बिजनेस नहीं है। तो मैं एटलीस्ट आउट होना चाहता हूँ। रिया, आप फ्यूचर क्या देख रही हैं? अभी हमने स्लीव से स्टार्ट किया है, हमने अपने न्यू ब्रोचेस भी लॉन्च करे हैं रिसेंटली जिसका हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है।
आगे जाके हमने केप्स की भी डिजाइनिंग स्टार्ट करी है. किस चीज की? केप्स. केप्स केप्स एंड डिटैचेबल कॉलर्स. ये हम चीजों पे अभी फोकस करना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट 5 years. आपको कितने साल हो गए इसको स्टार्ट करने में? एक साल. 9 months. ये जो बिजनेस है ना, इसमें मैं बस एक एडवाइस देना चाहूंगा. ये आपने जैसे अभी देखा कि हार्ट अप माय स्लीव्स, राइट? देन आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो खाली स्लीव्स बेचने से. लेकिन अब आपको इसमें अगर दूसरी चीजें भी ऐड करनी है ना, वो बड़ी टफ हो जाएंगी, क्योंकि फिर आप स्लीव्स के नाम से ही फेमस हो गए. फिर आपको बिजनेस स्लीव का बनाना पड़ेगा खाली. मतलब मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, आप सबसे पहले अपना ट्राई करो, ब्रांड को थोड़ा और ब्रॉड कर लो ताकि और चीजें फिट हो जाए. अभी ये मेरे लिए इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं है, बहुत छोटा है. बट आई विश यू ऑल द बेस्ट. वुमेन इन बिजनेस, वुमेन इन एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग विच यू शुड कैरी फॉरवर्ड. मैं चाहती हूँ, मतलब मैं आपको एक ऑफर करूंगी. ये एक स्लीव नायका पे कितने का बेचती हैं और कितने का बनाती हैं? हमारी कॉस्ट प्राइस है 500 से 750 फॉर वन. वन पेयर. वन पेयर. एंड हमारा सेलिंग प्राइस है 1300 से 2900, जो कि हम बाय 20% रिड्यूस कर सकते हैं. मेरा ये मानना है कि मोस्ट इंडियन वुमेन, उनका एक पैर शेप्ड बॉडी रहता है, हिप्स आर वाइडर. तो जब आप ऐसे स्लीव्स पहनते हैं और आपका पैर शेप्ड बॉडी होता है, तो आप और भी ब्रॉड दिखते हैं. और उसके वजह से मुझे मार्केट बहुत छोटा लग रहा है, तो उसके वजह से आई एम आउट. थैंक यू. मुझे ये बहुत एक्चुअली इंटरेस्टिंग लग रहा है. आपने कहा डिटैचेबल ब्रोचेस, डिटैचेबल कॉलर्स, तो ये मुझे अच्छा लगा कि आप ये पूरा कैटेगरी बनाने की सोच रही हैं कि हाउ टू एनहेंस समबडी स्टाइल कोशेंट बाय यूजिंग डिटैचेबल प्रोडक्ट्स, और उसके अराउंड एक ब्रांड बनाना चाहती है. क्या ये मेरी सोच ठीक है? Yes, absolutely. आप इसकी ब्रांड आइडेंटिटी कैसे मेंटेन करेंगे? कैसे आप ये पैदा करेंगे कि लोग कहें मुझे हार्ट अप माई स्लीव्स का ही प्रोडक्ट चाहिए? बहुत लोग चाहते हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदे. अब जैसे मनीष मल्होत्रा का आपने एग्जाम्पल दिया, बहुत लोग कॉपी भी खरीदते हैं, लेकिन मनीष मल्होत्रा से भी तो खरीदते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी इज गुड. तो यही हमारा मोटो है कि अगर हार्ट अप माई स्लीव्स से आप खरीदोगे तो आपको A1 क्वालिटी मिलेगी. जब हम अपनी मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे करना, फेसबुक एड्स, इंस्टा एड्स, लोग जानेंगे, लोग हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे, लोग हमें हमसे नायका पे सर्च करेंगे, हमारी SEO डेवलप होगी, क्योंकि आजकल की जेनरेशन सिर्फ सोशल मीडिया से इंस्पायर्ड है. रिया, सो मैं चाहती हूँ, मतलब मैं आपको एक ऑफर करूंगी. आई कैन जॉइन. ओके. मुझे नहीं लगता सिर्फ स्लीव्स पे या ब्रोचेस पे कोई ब्रांड बना सकता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू नो बहुत छोटा मार्केट हो जाता है. इफ यू कैन क्रिएट अपैरल जो ऐसा लाइक अफोर्डेबल डिजाइनर लुक्स बेचता है, देन ई कॉमर्स में बहुत पोटेंशियल है. सो उस कॉन्फिडेंस पे आई एम विलिंग टू मेक एन ऑफर अलॉन्ग विद अनुपम. हम आप पे बैट लेना चाहते हैं, क्योंकि आपका सेंस ऑफ स्टाइल, आपकी कॉन्फिडेंस, आपका यूथ, आपकी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग, हम सोचते हैं अच्छा सा बिजनेस आपको हेल्प करके इसका बना सकते हैं. तो रिया, वैल्यूएशन तो रेवेन्यू पे होती है, एंड लास्ट मंथ का आपका जो रेवेन्यू है उसको एक्स्ट्रापोलेट करके कितना ईयर का बनता है, तो उसके बेसिस पे वी वुड लाइक टू मेक यू दैट ऑफर 25 lakhs का, बट वी वॉन्ट 20% ईच, टोटल 40% ऑफ द बिजनेस. आज आपके पास कोई बिजनेस नहीं है, एक आइडिया और एक कॉन्सेप्ट है. हम आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं और इसीलिए आपको लगेगा वैल्यूएशन बहुत कम है, लेकिन आप हमारे नजरिए से देखिए और सोचिए और हमको आपका जवाब दीजिए. मैं अपना एक काउंटर ऑफर प्लेस करना चाहूंगी. तो 25 लाख्स फॉर 30%, 15% ईच. क्या लग रहा है? कर लेना चाहिए, इतना फर्क तो नहीं पड़ेगा. 80 lakh का रेवेन्यू 1 lakh. अब इसमें मल्टीपल क्या करेंगे? ठीक है, चलो.
All right, done. You have a deal. Awesome. Deal tak hi hai. And I want the best. Yes, of course. Come, Namra, you also please come. आप ये स्लीव अनुपम को पहनाइए, शहंशाह पिक्चर के अमिताभ बच्चन लगेंगे। मेरा यही कंडीशन था कि मेरे को ये स्लीव्स पहनाओ आप। शहंशाह के अमिताभ बच्चन। Of course. Oh, that looks nice. भैया, बहुत अच्छे। So so happy. Thanks so much. Very happy to be on board. Thank you so much. Thank you. Really nice meeting you. All the best. Thank you so much. Priya, we're gonna make it big. Yes, of course. All the best. What a gorgeous girl. I know. Look at how stunning she's looking. She's gonna do something.